आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मैसिव न्यूज के बारे में, जिसको लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन ये न्यूज जिस तरीके की न्यूज है, आमतौर पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन वैसे भी नहीं आती है। द इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हेमंत कुमार राउत की तरफ से कंफर्म किया गया है कि भारत ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का एक सफल परीक्षण किया है। इससे पहले अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम के दो सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, लेकिन ये परीक्षण यूनिक था क्योंकि इस परीक्षण के दौरान मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स को टेस्ट किया गया है। यानी कि ये मिसाइल सिस्टम जो टेस्ट की गई है वो मर्व केपेबल मिसाइल सिस्टम है। देखिए, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल की, तो इस तरीके की मिसाइल सिस्टम एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती हैं, जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इस पूरी फ्लाइट के दौरान आमतौर पर तीन फेजेस होते हैं। पहला बूस्ट फेज, जिसकी मदद से ये मिसाइल सिस्टम एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है। फिर आता है मिड कोर्स, जहां पर ये मिसाइल सिस्टम ट्रैवल करके टारगेट के ऊपर पहुंचती है। और फिर आता है री एंट्री, जब ये मिसाइल सिस्टम वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। री एंट्री के दौरान मिसाइल सिस्टम का वो पार्ट जो री एंट्री करता है, या कहें एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, उसको री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। और री एंट्री व्हीकल एटमॉस्फेयर के अंदर घुसने के बाद में ग्रेविटी के पुल के चलते काफी तेजी से नीचे आता है। शुरुआती री एंट्री व्हीकल्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि एटमॉस्फेयर के अंदर आने के बाद में फ्रिक्शन के चलते जो हीट जनरेट होती है उसका इफेक्ट इनके ऊपर बहुत ज्यादा ना पड़े। लेकिन इस तरीके के री एंट्री व्हीकल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो काफी आसानी से प्रिडिक्ट की जा सकती है, और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए री एंट्री व्हीकल्स को मनूवर करने की क्षमता दी गई, और इस तरीके के री एंट्री व्हीकल्स को मार्फ कहा जाता है, यानी कि मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल। वहीं पर अगर ये मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि एक दूसरे से स्वतंत्र होके अलग अलग टारगेट्स को टारगेट कर सकते हैं, तो उनको मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कहा जाता है, यानी कि मर्व। और इस तरीके के री एंट्री व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम मनूवरेबल री एंट्री व्हीकल्स के साथ में आएगी, यानी कि इसमें मार्व पेलोड का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अब ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो रीसेंट टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम का किया गया है उसमें मर्व कैपेबिलिटी को टेस्ट किया गया है, और इस टेस्ट के दौरान सिमुलेटेड शिप्स को टारगेट करने की कोशिश की गई है। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये एक बहुत बड़ी चीज है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम टेस्ट की गई है वो सिमुलेटेड शिप्स के ऊपर की गई है, और ये चीज हम सब जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से शिप्स को टारगेट करना एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन जब ये बैलिस्टिक मिसाइल मर्व कैपेबिलिटी के साथ में आती हैं, यानी कि इनमें यूज होने वाला री एंट्री व्हीकल एक से अधिक होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट तरीके से अपने टारगेट को टारगेट कर सकता है, तब इस तरीके की मिसाइल सिस्टम की हिट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से ये मिसाइल सिस्टम भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशल हो जाती है। इंडियन ओशन रीजन में आने वाले समय में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ेगी, और भारत को हर तरीके के ऐसे वेपन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जो भारत को डिटरेंस बिल्ड करने में मदद करेंगे। और इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अग्नि प्राइम का इंडक्शन भारत के लिए काफी ज्यादा क्रूशल होने वाला है। वहीं पर अगर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज की बात की जाए, तो इनिशियली माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1500 से 1600 किलोमीटर तक की होगी, लेकिन कुछ नॉन कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1800 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की होगी। और इसी चीज के ऊपर इस टेस्ट ने मोहर लगाई है, क्योंकि जो एरिया वार्निंग दी गई थी वो 2200 किलोमीटर की थी। ये न्यूज खुद में एक बहुत बड़ी न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।